हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के जो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, आज यूनिट सेल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। एक से दो न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ आपको दिए गए हैं न्यूमेरिकल के, तो उन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। आपका पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, एक घनीय ठोस दो परमाणु ए और बी का बना है। किसका बना है बच्चों? जो घनीय ठोस है यानी यूनिट सेल है वो ए और बी दो परमाणुओं का बना है। परमाणु ए कहाँ है बच्चों? कोनों पर है यूनिट सेल के, कोई दिक्कत नहीं। और जो परमाणु बी है वो अंतः केंद्र पर यानी केंद्र पर उपस्थित है। तो एकक कोष्ठिका का सूत्र क्या होगा? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल आसान है कैलकुलेट करना। एक बार हम इसके यूनिट सेल को समझ लेते हैं। इसमें बताया है कि जो परमाणु ए है वो कोनों पर, तो हमने ए कहाँ बना दिया बच्चों? कोनों पर बना दिया। यूनिट सेल बनाने के बाद कहाँ बना दिया? कोनों पर। और जो परमाणु बी है वो केंद्र पर है। किसमें बच्चों? केंद्र पर। तो आपको दिख भी रहा होगा एक कौन सी यूनिट सेल है, ये है बच्चों कौन सी बच्चों? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी BCC। ये है कौन सी? BCC। तो हमें तो यहाँ BCC हो, FCC हो, SCC हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, A के परमाणुओं की संख्या Z बराबर, आप या A की संख्या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो A के परमाणुओं की संख्या आपको एक साथ कैसे करना वो भी मैं समझाऊंगा। तो देखना, A के परमाणुओं की संख्या जब निकालेंगे तो A कहाँ है? कोनों पर। तो कितने पे? 8 कोनों पर है A। तो कितना आएगा बच्चों? देखना, 8 है कोनों पर, वैल्यू होती है 1/8, तो कितना आया? एक परमाणु आया। कितना बच्चों? एक। उसके बाद देखना, बी के परमाणु की संख्या, बी कहाँ है बच्चों? केंद्र पर। तो केंद्र पर क्या वैल्यू होती है? एक। तो 1 × 1 कितने आ गए बच्चों? एक परमाणु आ गया यहाँ भी। तो ए कितना आया? एक। और बी कितना आया? एक। तो ए और बी का अनुपात निकालो, ए अनुपात बी कितना आ गया? 1:1। तो एकक कोष्ठिका का जो सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों? जो अनुपात आया उसी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए का जो आया A1 B1, जो उनका अनुपात आता है उसी से ही हम क्या कर देते हैं बच्चों? वो उनके गुणांक होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का तो मतलब कुछ होता नहीं है, 1 तो हम वैसे भी नहीं लिखते। तो क्या आ गया फॉर्मूला आपको बच्चों? AB। उसके बाद देखना बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन जो सेकेंड है न्यूमेरिकल का, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, चलो कोनों पर एक परमाणु, प्रत्येक अंतः विकर्ण बॉडी डायगोनल जो विकर्ण होता है ना उस पर दो परमाणु हैं वाली घनीय आधारित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो बस समझना है बात को, न्यूमेरिकल ऐसे ही हो जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या निकलवा रहा है, फॉर्म आपको अणुसूत्र नहीं पूछ रहा है इसमें। तो देखना क्या कह रहा है बच्चों कि एक जो परमाणु है वो तो कोनों पर, कोई दिक्कत नहीं जी, कोनों पर बना दिया आपने, परमाणु कोनों पर हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अंतः विकर्ण जो होता है बॉडी डायगोनल उस पे कितने हैं? दो दो परमाणु हैं। तो बॉडी डायगोनल जो होते हैं अंतः विकर्ण कितने होंगे? देखिए, कोनों से कोनों को जो मिलाया जाता है वो होता है अंतः विकर्ण। जैसे इस कोने से इसको मिलाया गया, एक हो गया, इस कोने से इसको मिलाया गया, एक हो गया, फिर इस वाले से ऊपर वाले कोने को मिलाया गया, एक हो गया, नीचे वाले से यहाँ तक मिलाया गया तो कितना हो गया? एक हो गया। इस तरीके से कितने हो गए बच्चों? चार हो गए अंतः विकर्ण, कोने हो गए 8। तो अब देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, तो मैं एक साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब अलग अलग नहीं, एक साथ। तो 8 तो हैं कोनों पर, ठीक है, और 8 ही परमाणु कितने पे? केंद्रों पे, क्योंकि आपको बताया नहीं कि 4 होते हैं बॉडी डायगोनल, 4 विकर्ण, तो एक पे बताया 2, तो 4 × 2 = 8। तो 8 तो हो गए कोनों पर, 8 हो गए केंद्र पे। और केंद्र में कैसे हो? देखो, कोनों पर की जो वैल्यू होती है 1/8, लेकिन केंद्र पर जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो क्या आ गया बच्चों? तो ये तो आ गया आपका 1, और प्लस 8 × 8 एक कितना आ गया? 8। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आया बच्चों? 9। तो आंसर क्या है इसका? 9।
तो ऐसी यूनिट सेल में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 9 होगी।